शिवपुरी जिले की बैराण तहसील क्षेत्र के पच्छीपुरा तालाब की नहर से पानी छोड़ने की मांग को लेकर सोमवार को बमनपुरा गांव के किसानों ने बैराण तहसील कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी इस मांग को लेकर बैराण तहसीलदार प्रेमलता पाल को ज्ञापन भी सौंपा है। किसानों ने बताया कि पिछले 15 दिनों से नहर में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, जिससे उनकी गेहूँ की फसल सूखने की कगार पर पहुँच गई है। इससे परेशान किसानों ने बैराण तहसील में धरना प्रदर्शन का तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। किसानों की फसलों तक नहर का पानी नहीं पहुंचने से किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार अगर किसानों की फसलों को पानी नहीं मिलता है तो किसान पूरी तरह बर्बाद हो जाए और खाने पीने को दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। आखिर कौन सुनेगा इन गरीब किसानों की हाहाकार की गूंज? देखना यह होगा कि वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है या नहीं। बैराण से धर्मेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? संदीप। कौन से गांव के हो? बमनपुरा। अरे यार, तहसील पर धरने में बैठे हुए क्या समस्या आ रही है आपको? अरे साहब, मैं गेहूँ सूख रहे हैं, नहर आ नहीं रही। कब से नहीं आ रही नहर? इसको है शायद 15 दिन। 15 दिन आज नहीं आ रही। तो आपने जल संसाधन विभाग वालों से नहीं बोला था क्या? बोला साहब, नहीं सुन रहे। कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं। तो आज ये कहाँ पे धरने में बैठे हो आप? तहसील में। तहसीलदार हैं क्या? नहीं है साहब। तो कौन को दोगे आवेदन वगैरह? तहसीलदार साहब आ जाएंगे तो उन्हीं को देंगे। क्या नाम है आपका? मुकेश यादव। कौन से गांव के हो? बमनपुरा। क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या जो यही आ रही है कि गेहूँ सूख रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा। काहे से पानी नहीं मिल रहा? नहर से देते हैं, मतलब नहर आई नहीं रही। कब से नहीं आ रही नहर? 10-15 दिन है। तो आपने कोई शिकायत वगैरह नहीं की इसकी? पहले करी थी, बढ़िया चली, अब फिर बंद है 15 दिन। अच्छा, तो लास्ट पानी दो पानी का सूच आएंगे तो कहाँ मिले बंद? अगर लग गए तो लग गई वैसे ही। अच्छा।